हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी वीली स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट मूवेबल चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिज्म। हाउ हाउ कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड ए चार्ज पार्टिकल? नाउ फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट ए मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटलिक वायर दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट ऑन द अदर हैंड ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑनली यानी जब हमारा कोई करंट किसी वायर से आपका फ़्लो हो रहा है यानी किसी कंडक्टर में आपका करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर आपका क्या है मैगनेटिक इफ़ेक्ट आपका प्रोड्यूस हो जाता है यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो जाता है तो ये आपका क्या बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट लेकिन जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या है स्टेशनरी है यानी स्टेबल है मूव नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में केवल आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या प्रोड्यूस हो जाएगा नेक्स्ट है आपका ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट तो ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया उसने क्या किया कि एक बैटरी और बैटरी से हमारा क्या एक वायर हमने क्या कनेक्ट कर दिया और एक की कनेक्ट हमने कर दी अभी हमारी ये की क्या ओपन है तो ये की ओपन है हमने वायर के नियर हमने क्या रखा एक कंपास रखी तो कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया जैसे ही हमने की को क्लोज किया की को क्लोज करने पर कंपास में क्या आ गया डिफ्लेक्शन आ गया तो कंपास में डिफ़्लेक्शन आ रहा है की को क्लोज करने पर यानी क्लो, की को जैसे ही क्लोज़ किया वायर में आपका क्या है करेंट आपका क्या है फ्लो होना शुरू हुआ तो करंट फ्लो होने के कारण इस वायर के अराउंड हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है प्रोड्यूस हो गया जिसके कारण जो कंपास है उसमें क्या आ गया डिफ्लेक्शन यानी कंपास नीडल क्या हो गई हमारी डिफ्लेक्ट हो गई ये हम बैटरी के साइन अपोजिट कर दें ठीक है तो पहले जो आपका करंट जो फ्लो हो रहा था वो करंट एंटी क्लॉक था अब हमने बैटरी का साइन चेंज कर दिया ठीक है तो जो करंट है वो आपका एंटी क्लॉक आपका फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन भी आपका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाता है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एसआई यूनिट इज टेस्ला और वेवर पर मीटर स्क्वेयर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर इन दी सिस्टम इज गॉस In a system, the unit of magnetic field is Gauss, and 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss, and the dimension of the magnetic field is m to the power minus 2 and a to the power minus 1. Now, magnetic field. Magnetic field is a space around a conductor carrying current or magnetic or magnet in which. इट मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी नाउ नेक्स्ट इज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल आपका वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में आपका क्या है मूव कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड से जो डायरेक्शन है इसकी मूविंग की वो आपकी डायरेक्शन क्या है थीटा डायरेक्शन है ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आप क्या हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल सो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ velocity and the magnetic force is directly proportional to the charge of charge particle and magnetic force is directly proportional to v sin theta so that fm is directly proportional to qv sine theta now we are remove the sign of proportionality then fm equal to qvb sin theta here b is the co, uh, b is the constant of proportionality and it is known as magnetic field so that magnetic force is equal to qvb sin theta now vector form of the magnetic force is q into v cross b next topic is लॉरेंज फोर्स वेन द चार्ज पार्टिकल इज़ मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स यानी कोई चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में मोशन कर रहा है तो उस पर हमारे कहाँ दो फोर्स हमारे यहाँ अप्लाई होते हैं एक आपका मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उनका जो सम होगा उस सम को ही हम क्या बोल देते हैं लॉरेंज फोर्स सो दैट लॉरेंज फोर्स एफ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स नाउ एफ इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन सो दैट F इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी ना मैग्नेटिक फोर्स ना मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर ये हमने क्या एक स्मॉल एल लेंथ का एक करेंट कैरिंग कंडक्टर है आपका और इसमें आपका आई करेंट आपका क्या है फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट तो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी लेफ्ट राइट टू लेफ्ट और यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया है कि कैपिटल ए है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कैपिटल ए एंड स्मॉल एन इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन एफ डेस इक्वल टू ई वी डी बी साइन थीटा. ई इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी डी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द करेंट केयर एंड कंडक्टर फ्रॉम द मैगनेटिक फील्ड या फिर या फिर बोल सकते हैं द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल ठीक है हमने यहाँ पे एन हमने मान लिया था कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम में तो टोटल नंबर ऑफ़ हम इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा ए इंटू एल तो इसमें हम क्या एन का मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल एन का तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या फाइंड हो जाएंगे ना टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स एफ इक्वल टू एफ डैश इंटू कैपिटल एन सो दैट द पोट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एन कैपिटल एन सो दैट एफ इक्वल टू एन एल इंटू ई वी डी बी साइन थीटा नाव एफ इक्वल टू एन ई ए वी डी एल इंटू बी साइन थीटा नाव एन ई ए वी डी इज इक्वल टू आई ये आपका क्या होता है आई के इक्वल होता है तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है तो एन ए वी डी की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर आई तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा एंड वेक्टर फॉर्म इज एफ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी नाउ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड नाउ फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन द दी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड सो दैट पार्टिकल इज़ मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ये हमने मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या मान लिया है तो जब हमारा कोई भी पार्टिकल आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी जो पाथ है वो आपका क्या हो जाएगा सर्कुलर पाथ पे ये क्या है मोशन करेगा तो यहाँ पर आपका क्या है मैग्नेटिक हमने क्या फोर्स हमने फाइंड कर लिया तो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन नाइंटी बिकॉज द एंगल बिटवीन द वी एंड बी इज नाइंटी डिग्री सो दैट एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट अब ये सर्कुलर पाथ पे आपका क्या है चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसमें क्या होगा एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी होगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्र अपॉन आर हियर एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ सो दैट एफ एम इज इक्वल टू एफ सी यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल रहेगा सेंट्री पैटल फोर्स के तो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वेर अपॉन आर वी से एक पावर कैंसिल हो जाएगी सो दैट आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी ना वी नो दैट वी इक्वल टू आर ओमेगा वी इक्वल टू क्या होता है आपका आर ओमेगा होता है तो यहाँ पे हम v की जगह क्या रख देंगे r ओमेगा सो दैट r इक्वल टू एम इंटू आर ओमेगा अपॉन क्यू बी नाव एम से आपका m कैंसिल हो जाएगा नाव क्यू बी इक्वल टू एम इंटू टू पाई न्यू बिकॉज ओमेगा इक्वल टू क्या होता है टू पाई न्यू सो दैट न्यू इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू पाई एम न्यू इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी या फिर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं ऐसे ही यहाँ पर जो स्मॉल आ रहा है इसको हम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ भी कहते हैं या फिर गायरो रेडियस भी कह देते हैं या साइक्लोट्रॉन रेडियस नाउ फाइंडिंग द टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड आपका क्या है रेसी प्रोकल होता है किसका फ्रीक्वेंसी का सो दैट टी इक्वल टू वन अपॉन न्यू नाव टी इक्वल टू हो जाएगा आपका टू पाई एम अपॉन क्यू बी आपका क्या है टाइम पीरियड निकल आएगा चार्ज पार्टिकल का ना सेकेंड कंडीशन है वी इज़ पैरल टू बी या फिर वी इज एंटी पैरल टू बी यानी जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड के पैरल आपका मूव कर रहा है या फिर एंटी पैरल आपका मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका जो चार्ज पार्टिकल है इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन विदाउट रिफ्लेक्शन बिकॉज जब हमारा वी पैल है यानी वी हमारा क्या पैल अल है किसके बी के तो उस कंडीशन में टीटा इक्वल टू तो जीरो तो फोर्स होगी वो आपकी क्या हो जाएगी जीरो क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो फोर्स आपका क्या रहेगा जीरो क्योंकि फॉर्मूला आपका फोर्स का क्या होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन टीटा तो साइन तो जीरो रखेंगे तो फोर्स आपकी क्या आ जाएगी ज़ीरो तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी एंटी पैरल है तो थीटा इक्वल टू आपका वन एट्टी डिग्री तो साइन वन एट्टी की डिग्री साइन वन एट्टी डिग्री की वैल्यू क्या होती है जीरो तो इस कंडीशन में भी आपका फोर्स क्या रहेगा जीरो तो चार्ज पार्टिकल पर जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो ये आपका क्या है डिफ्लेक्ट नहीं होगा और ये सेम पाथ पर आपका क्या है मोशन करेगा नाउ थर्ड कंडीशन इज वेन वी वी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी यानी हमारा क्या है कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा और ना ही पैल डायरेक्शन में कर रहा है किसी एंगल से आपका क्या है कर रहा है तो जो पाथ होता है आपका चार्ज पार्टिकल का वो पाथ आपका क्या है हेलिक्स हो जाता है तो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज हेलिक्स मान लीजिए मान लेते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से ये थीटा एंगल पर आपका क्या है मोशन कर रहा है तो वी वेलोसिटी से ये आपका क्या है मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी वी के हमारे क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है आपका वी कॉश थीटा हो जाएगा और जस्ट इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा वी साइन थीटा तो रेडियस हम निकाल के चलें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू भी होता है लेकिन यहाँ वी की जगह क्या आएगा वी साइन थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है v साइन थीटा सो दैट आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी एंड द टाइम पीरियड टी इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी एंड द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट सर्किल इज कॉल्ड पिच ऑफ द पाथ तो पिच ऑफ द पाथ आपका क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल आपका मोश मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जित वन कंप्लीट रोटेशन करने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन द वन कंप्लीट सर्किल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज पिच ऑफ द पाथ सो दैट पिच ऑफ द पाथ इज इक्वल टू वी पेलल इन टी और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी आपकी वी कॉस थीटा तो वी पैरल हो गया वी कॉस थीटा और टाइम पीरियड हमें बताइए कि वन कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम पीरियड है कितना है टू पाई एम अपॉन क्यू बी तो पिच ऑफ द पाथ पी इक्वल टू टू पाई एम वी कॉस ठीटा अपॉन क्यू बी नाव काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो दैट काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्यर नॉ पोट द वैल्यू ऑफ वी तो हाफ एम वी की वैल्यू आएगी आपकी क्यू बी आर अपॉन एम तो ये क्यू बी आर का होल स्क्यर हो जाएगा इस होल स्क्यर को हम क्या ओपन कर देंगे और एम ठीक है तो ओपन करेंगे तो यहाँ एम के आएगा तो एम स्क्वेयर से हमारी क्या एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो k इक्वल टू आ जाएगा के स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन टू एम